चैप्टर सिक्स है हमारे पास सीपीयू ठीक है स्केजुलिंग मैम। का। ठीक है, स्केजुलिंग के अंदर क्या है, हमने स्केजुलिंग करनी है, हमने स्केजुल बनाना है कि नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। ठीक है, एक तो होता नहीं, काफ़ी सारे होते हैं। फिर उनमें से टर्न देना कि पहले सीपीयू किस प्रोसेस को जो है प्रोसेस करेगा, उसके बाद किस प्रोसेस को लेगा। मीन्स हम स्केजुअल कर देते हैं प्रोसेस को। ठीक है, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसकी बेस के ऊपर हम इनको स्केजुअल करते हैं, इनकी प्रायोरिटी या फिर इनके टाइम बेस, वो डिफरेंट आगे हम इनको देखते हैं। ठीक है, लेकिन स्केजुलिंग कर देते हैं, मेन पर्पस यही है स्केजुलिंग का कि इससे सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कि सीपीयू जो है किसी भी टाइम आइडल नहीं रहता। अगर एक प्रोसेस है उसने अपनी वर्किंग परफॉर्म कर ली है तो दूसरे को जो है वो स्टार्ट कर देता है। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, और अगर नंबर ऑफ है तो उनके दरमियान टाइम को डिवाइड करके उनको कर देता है स्केड्यूल। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है कि हम सीपीयू को जो है ऑल द टाइम बिजी रखें और जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है सीपीयू की उसको अचीव करें। अच्छा, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है सीपीयू के अंदर किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, किस तरह से प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे आप सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है, मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन ऑब्टेन विद मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम सिंगल प्रोसेसर है, इसके अंदर प्रोसेसर एक ही है लेकिन हमारे पास प्रोग्राम मल्टीपल पड़े हुए हैं। अब मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर हम सबको एक साथ तो चला नहीं सकते, तो हमने क्या करना है, बारी बारी हर एक प्रोग्राम हर एक प्रोसेस को टर्न देनी है। ठीक है, उनको स्केजुलिंग इसीलिए करना है ताकि उन सबकी बारी आ जाए बारी बारी एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये है कि हमने जो मल्टी प्रोग्रामिंग है उसको यहाँ पे जो है वो सॉल्व करना है उसकी प्रॉब्लम को, और सीपीयू को जो है वो ऑल द टाइम बिजी रखना है ताकि सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, तो मेन पर्पस इस चैप्टर का ये स्केजुलिंग का कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना है। सीपीयू आयो बस्ट साइकिल, प्रोसेस एग्जीक्यूशन कंसिस्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ अ सीपीयू एग्जीक्यूशन एंड आयो बस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि सीपीयू के अंदर जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, एग्जीक्यूशन जो होती है वो साइकिल पे डिपेंड करती है, और साइकिल जो है वो दो तरह के होते हैं हमारे पास। साइकिल मीन्स कि सीपीयू बस्ट होता है और आयो बस्ट होता है, मीन्स या तो आपका प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा रहा होता है सीपीयू के ऊपर। ठीक है, या फिर आयो बस्ट होती हैं जहाँ पे वो आयो डिवाइसेस से काम ले रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सिस्टम जो है यहाँ पे वर्किंग परफॉर्म कर रहा है उसका साइकिल क्या होगा, या तो हमारा प्रोसेस जो है वो सीपीयू बाउंड होगा कि मीन्स सीपीयू के ऊपर उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, या फिर आयो बाउंड होगा। आयो बाउंड मीन्स कि आयो डिवाइसेस के साथ जो है वो अपनी इंट्रेक्शन करवा रहा है और आयो डिवाइसेस को जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल हमें दिखाया गया एग्जीक्यूशन का, हमने कोई प्रोग्राम वगैरह लोड किया अपना। ठीक है, सीपीयू बस्ट मीन्स कि जो सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही है, सीपीयू जो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा रहा है प्रोसेस की। ठीक है, उसके बाद वेट फॉर आयो है, ये क्या है, आयो बस्ट, इसका मतलब है कि प्रोसेस इस टाइम पे सीपीयू को यूज नहीं कर रहा, वो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहा है, लाइक प्रिंटर को यूज कर रहा है, या फिर कोई उसने मेमोरी के अंदर अपनी इंस्ट्रक्शन वगैरह सेव करवानी है तो वहां पे काम करवा रहा है, सीपीयू का काम अभी नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दोबारा सीपीयू बस्ट आ गई है। ठीक है, आयो का काम पूरा करने के बाद वो दोबारा सीपीयू के पास आ गया और यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसने परफॉर्म कर लिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा आयो बस। तो ये आपके प्रोग्राम का सीक्वेंस है कि किस तरह से आपका प्रोग्राम जो है सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूट होता है। सीपीयू बस और आयो बस, ये दो तरह की बस्ट हैं। ठीक है, जिनके थ्रू जो है ये पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। अब इनके दरमियान मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी कि अगर एक प्रोग्राम चल रहा है, एग्जीक्यूशन अपनी परफॉर्म कर रहा है सीपीयू के ऊपर, और थोड़े टाइम के लिए वो वेटिंग क्यू में चला गया है आयो डिवाइसेस के लिए। ठीक है, लाइक उसको कोई प्रिंटर चाहिए प्रिंटिंग के लिए, वो वहां पे चला गया, तो सीपीयू इस टाइम पे क्या, आइडल है। अब सीपीयू को इस टाइम पे हमने आइडल नहीं छोड़ना, इसकी थ्रोपुट को इंक्रीज करने के लिए, इसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए सीपीयू ने क्या किया, दूसरा कोई प्रोग्राम स्केड्यूल किया और उसको ले आया अपनी रैम के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर, ताकि वहां से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवा सके। ठीक है, तो जो पहले वाला था वो वहां पे आयो परफॉर्म कर रहे अपनी, ठीक है, प्रिंटर के साथ, और दूसरे वाले को स्केड्यूल करके हम ले आए हैं ताकि यहाँ पे
सीपीयू हमारा फायरिंग ना रहे और दूसरे प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर ले, ठीक है। तो इस तरह से ये सीपीयू बस और आईओ बस जो है ये साइकिल चलता रहता है और एग्जीक्यूशन जो है वो परफॉर्म होती रहती है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास सीपीयू स्केड्यूलर, लास्ट चैप्टर या फिर फोर्थ चैप्टर के अंदर हमने पढ़े थे तीन तरह के स्केड्यूलर हमने पढ़े थे, एक था शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, एक था लॉन्ग टर्म और एक था मीडियम टर्म। याद है आपको इसमें से शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या था, क्या काम करता था? शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो हमारा क्या काम करता था कि हमारे जो प्रोसेसेस को जॉब क्यू से उठा के रेडी क्यू तक लेके आते थे, वो थे हमारे लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम था। और फिर जो हमारे जॉब क्यू से हमारे सीपीयू को असाइन कर दिए जाते थे रनिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर करता था, ठीक है। और फिर जब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कंट्रोल करना होता था कि प्रोसेस को स्वैप इन और स्वैप आउट करना होता है, तो वो वाला काम कौन करता था? वो वाला काम करता था हमारा मीडियम टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। तो वहां पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे काम करेगा, शॉर्ट टर्म क्या काम करेगा, शॉर्ट टर्म क्या काम करेगा, ये करेगा कि सिलेक्ट फ्रॉम अमंग द प्रोसेसेस इन द रेडी क्यू एंड एलोकेट द सीपीयू टू वन ऑफ देम, ठीक है। कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्केड्यूलर को उठाएंगे रेडी क्यू से और उसको सीपीयू असाइन कर देंगे प्रोसेसिंग के लिए, ये शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम था, ठीक है। क्यू में भी ऑर्डर्ड इन अ वेरियस वे, ठीक है, डिफरेंट वे के अंदर जो है क्यू हो सकते हैं, ठीक है। ये आगे हम क्यू देखेंगे किस किस तरह से इनके अंदर प्रोसेसेस पड़े होते हैं, किस तरह से उनको स्केड्यूलिंग की जाती है। अब जो स्केड्यूलिंग करनी है डिसीजन में टेक प्लेस व्हेन अ प्रोसेस, ठीक है। अब स्केड्यूलिंग हम किस किस जगह पे करते हैं, स्केड्यूलिंग कब कब होती है, ठीक है। When a process switch from a running to a waiting state, running state से waiting state के अंदर आ जाए, ठीक है, या फिर running state से ready state के अंदर आ जाए process, ठीक है। Running से waiting कोई device चाहिए, running से ready के अंदर वापस आ जाए, या waiting से ready में जाए दोबारा schedule होने के लिए, या फिर process terminate हो जाए। तो ये conditions हैं, जब ये वाली चार conditions अकर होती हैं या इनमें से कोई भी एक अकर होती है तो हम क्या करते हैं, अपने CPU को schedule करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने सीपीयू को स्केड्यूल कर देते हैं इन चार जो है कंडीशंस पे। इनमें से कोई भी होगी तो उनमें क्या होगा कि हमारा सीपीयू दोबारा स्केड्यूल होगा, प्रोसेस को उठाएगा और सीपीयू को असाइन कर देगा। फिर हमने दो टर्म्स देखी थी, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या था कि अगर हमने कोई प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है उसको हम थोड़ी देर के लिए उसकी स्टेट को सेव करके उसको स्टॉप कर सकते हैं और किसी दूसरे प्रोसेस को ला के एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ये थी प्रीएम्प्शन, ठीक है, कि हम उसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ये होगी प्रीएम्प्शन। नॉन प्रीएम्प्शन के अंदर क्या था कि प्रोसेस को हम एग्जीक्यूशन के लिए जब भेजते हैं तो उसको हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उसको हम स्टॉप या सस्पेंड नहीं कर सकते, वो अपनी एग्जीक्यूशन को पूरा करके फिर वहां से जो है वो एग्जिट करेगा, ठीक है। तो प्रीएम्प्शन के अंदर क्या है, हम लोग उसको रोक के दूसरा प्रोसेस ला सकते हैं, नॉन प्रीएम्प्शन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वॉलंटियरली वो निकलेगा या फिर जब उसका टाइम पूरा होगा तब भी वो निकलेगा अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करके, ठीक है। डिस्पैचर, अब डिस्पैचर क्या है, डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। अब मैंने आपको पीछे बताया शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू से प्रोसेस को उठाता है और उसको सीपीयू को असाइन कर देता है। अब यहाँ पे डिस्पैचर का क्या काम होगा, जो प्रोसेस शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर सिलेक्ट करके लाया है, ठीक है, जो सिलेक्ट करके लाया है उस प्रोसेस को सीपीयू का कंट्रोल असाइन करना डिस्पैचर का काम है, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर वहां से सिलेक्ट करके लाया प्रोसेस को, अब उस प्रोसेस को जो कंट्रोल देना है सीपीयू का वो काम होगा डिस्पैचर का, ठीक है। डिस्पैचर मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, ठीक है। तो इस तरह से किया है, प्रोसेस को कंट्रोल दे दिया जाता है सीपीयू का और वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसको परफॉर्म कर देता है। अब डिस्पैचर के अंदर और कौन कौन से काम आ जाते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, या आपको पता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस के दरमियान जब एक कॉन्टेक्स्ट को स्टॉप करके दूसरे को हम लोड करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है। स्विचिंग टू द यूजर मोड, कर्नल मोड से अगर आपने यूजर मोड में जाना होता है या यूजर मोड से कर्नल मोड में आना, तो ये उसके दरमियान स्विचिंग होती है। Jumping to the proper location in the user program to restart the program, ठीक है। अगर किसी प्रोग्राम को आपने थोड़ी देर पहले सस्पेंड किया है
उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच किया है, अब दोबारा से उसको लोड करने के लिए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पे जाना और उसको वहां से स्टार्ट करना, ठीक है, कि सारे काम क्या है डिस्पैचर के अंदर आ जाते हैं। डिस्पैच लेटेंसी क्या है, लेटेंसी डिले, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है डिस्पैच, वो इसके अंदर आ जाएगा। टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर रनिंग, ठीक है, एक प्रोसेस को थोड़े टाइम के लिए रोकना, सस्पेंड करना, उसकी स्टेट को सेव करना और दूसरे वाले को रिज्यूम करना, उसकी स्टेट को रीलोड करना, उसके दरमियान जितना टाइम लगेगा वो हमारी डिस्पैच लेटेंसी होगी, ठीक है, कि सीपीयू कितना टाइम ले रहा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए, ये इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिस्पैचर या लेटेंसी में? नो मैम। ठीक है, अच्छा, अब स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया। स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया है कि हम जब सीपीयू को स्केड्यूल करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या क्या काम होने चाहिए जिसकी बेस के ऊपर हम सीपीयू को स्केड्यूल करेंगे। सबसे पहले सीपीयू यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन के अंदर क्या है, कीप्स द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल, ठीक है, आपने क्या करना है सीपीयू की जो यूटिलाइजेशन है उसको इंक्रीज करना है। स्केड्यूलिंग इसीलिए की जाती है ताकि सीपीयू को ऑल द टाइम बिजी रखा जाए, ठीक है। दूसरा है थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस डेट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। थ्रोपुट ये वाले टर्म हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या था कि एक टाइम इंटरवल के अंदर या एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होते हैं, इसको हम कहते हैं थ्रोपुट, ठीक है। तो स्केड्यूलिंग के अंदर क्या है, हमारी थ्रोपुट भी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि हम एक टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को जो है एग्जीक्यूट कर सकें, ठीक है। और दूसरी क्या, सीपीयू की यूटिलाइजेशन, ये भी मैक्सिमम होनी चाहिए। थर्ड है टर्न अराउंड टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। तो ये टर्न अराउंड टाइम होता है किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीट कितना टाइम लगता है स्टार्ट टू एंड, ठीक है, प्रोसेस की सबमिशन से लेके उसकी कंप्लीशन तक जो टाइम होगा वो हमारा टर्न अराउंड टाइम होगा किसी एक प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम। जबकि थ्रोपुट होगा कि एक टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करता है हमारा सीपीयू, वो होगा थ्रोपुट। नेक्स्ट है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस हैज बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू, ठीक है। अब वेटिंग टाइम क्या होगा कि आपका प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर कितना टाइम वेट करता है। रेडी क्यू के अंदर वो वेट कर सकता है कि उसको सीपीयू असाइन हो जाए या फिर वो किसी और आयो के लिए वेट कर रहा है, तो जितना टाइम वो रेडी क्यू के अंदर वेट करेगा वो सारा वेटिंग क्यू के अंदर, वेटिंग टाइम के अंदर आ जाएगा। लेकिन वेटिंग टाइम के अंदर जो बाकी की डिफरेंट टाइमिंग होगी वो इंक्लूड नहीं होगी, कि मतलब उसके एग्जीक्यूशन पे कितना टाइम लग रहा है या फिर कोई और इंटरप्शन या एक्सेप्शन आ गया उस पर कितना टाइम लग रहा है। सिर्फ जो वेटिंग टाइम रेडी क्यू के अंदर होगा जब उसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ होगा वो वाला टाइम होगा हमारा वेटिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स अब क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम When a request was submitted until the first response is produced, not output. कि जब आपने प्रोसेस को सबमिट करवाया सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए और सीपीयू ने आपको फर्स्ट उसका रिस्पॉन्स दिया, फर्स्ट रिस्पॉन्स मीन्स के फर्स्ट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट हुआ, आपसे उसकी कोई इनपुट ली या फिर कोई आपको कोई सिग्नल, कोई बीप वगैरह आपको शो की, जैसा भी आपका प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन फाइनल आउटपुट नहीं आई। अभी प्रोग्राम ने आगे और चलना है तब उसकी फाइनल आउटपुट आएगी, ठीक है, अभी फाइनल आउटपुट नहीं आई, लेकिन प्रोग्राम की सबमिशन से जो फर्स्ट टाइम सिस्टम आपके साथ रिस्पॉन्ड करेगा, आपको रिस्पॉन्स देगा, वो वाला जो टाइम होगा वो आपका रिस्पॉन्स टाइम के अंदर आएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो आपका रिस्पॉन्स मिलेगा आपको सिस्टम की तरफ से वो आपका रिस्पॉन्स टाइम के अंदर आएगा। तो ये हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज थे, सीपीयू यूटिलाइजेशन, थ्रोपुट, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब वो जो पीछे हमने सारे पैरामीटर्स पढ़े हैं उनके अंदर सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए, थ्रोपुट क्या है, मैक्सिमम होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम क्या है, हमारा मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, वेटिंग टाइम जो है वो भी मिनिमम होना चाहिए और रिस्पॉन्स टाइम क्या है वो भी मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज हैं जिनकी जिनको देखते हुए हम लोग अपने सीपीयू को स्केड्यूल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं स्केड्यूलिंग की, डिफरेंट हैं उनमें। पहली जो है वो है
FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग, इसके नाम से यहाँ पे शो हो रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जो पहले आएगा उसको पहले सीपीयू असाइन होगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आपके सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं, हमने उनको स्केजुअल करना है, तो स्केजुअल करने के लिए क्या है, ये पहली एक टेक्निक है, एक एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि जो पहले आएगा सीपीयू के अंदर आपके मेन मेमोरी के अंदर जो पहले आएगा उसको पहले सीपीयू मिलेगा, जो उसके बाद आएगा उसको उसके बाद मिलेगा, ठीक है। इस तरह से बारी बारी सबको मिलता रहेगा। अब यहाँ पे क्या हमारे पास प्रोसेसेस हैं और उनका जो है बस टाइम है। प्रोसेसेस के अंदर क्या है, तीन प्रोसेसेस हैं हमारे पास, प्रोसेस P1, P2 और P3, ठीक है। तीन प्रोसेसेस हैं और उनके बस टाइम है। P1 का बस टाइम है 24, P2 का है 3 और P3 का है 3, ठीक है। इन तीन को बस टाइम होगा कि उन्होंने कितना टाइम सीपीयू के ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है, ठीक है, ये है बस टाइम होगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P1 आया, P1 ने क्या है 24 बस्ट अपनी जो है चलानी है, ठीक है, मतलब 24 ये टाइम जो है नैनो सेकंड्स या मिली सेकंड्स के अंदर दिया होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जिसके अंदर भी दिया हुआ है उतना टाइम इंटरवल जो है ये अपना वहां पे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। P1 जो है उसने स्टार्ट किया अपनी एग्जीक्यूशन और उसने अपने 24 जो बस थी उसको चलाया 0 से 24 तक, प्रोसेस P1 ने अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म की। इसके करने के बाद क्योंकि पहले कौन आया था, P1 आया था, तो पहले P1 ने यहाँ पे चलना है, ठीक है। P1 के बाद क्या है, P2 आया, P2 ने अब क्या अपनी तीन बस चलानी है, तीन CPU बस चलानी है, ठीक है। तो 24 से आगे P2 आया, P2 ने क्या अपनी 3 जो है वो अपनी बस जो है एग्जीक्यूट करवाई, 24 के बाद 25, 26 और 27, ठीक है। उसके बाद कौन आया, प्रोसेस P3 आया, ठीक है, बारी बारी है, जो पहले आएगा उसको पहले ही मिलेगा, पहले 1, 2 और थर्ड की बारी है। प्रोसेस P3 आया, इसकी भी तीन बस चलनी थी, तो 27 के बाद प्रोसेस P3 की बारी आई, 28, 29, 30, ठीक है। तो ये वाली तीन बस उसने चला ली। तो इस तरह से क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तीन प्रोसेस थे, पहले जो प्रोसेस आया उसको चलाया, फिर जो उसके बाद सेकंड नंबर पे आया उसको चलाया, और थर्ड नंबर पे जो आया फिर उसको हमने सीपीयू एलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे इनका वेटिंग टाइम जो है वो हमने देखना है। वेटिंग टाइम हम देखते हैं, पहले ये बता दें इसमें कोई मसला है, समझ आ गई इसकी, जी मैम आ गई। अच्छा, वेटिंग टाइम जो है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वेटिंग टाइम आप किस तरह से हमने इसका कैलकुलेट करना है, प्रोसेस P1 कब आया, 0 पे, इसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है। पहले आया, पहले इसको सीपीयू असाइन हो गया, 0 पे आया तो इसको क्या है, वेटिंग टाइम 0, कोई वेट नहीं किया। प्रोसेस P2 आया, प्रोसेस P2 को कब टर्न मिली, 24 पे, ठीक है, पहले प्रोसेस ने अपने 24 बस चलाई उसके बाद इसको टर्न मिली, तो P2 को कितना टाइम वेट करना पड़ा, 24, ठीक है। तो P2 ने कितना वेट किया, 24। थर्ड पे क्या है, तीसरे वाला प्रोसेस आ गया, उसको कितना वेट करना पड़ा, 27, ठीक है। तो P3 ने 27 जो है वो वेट किया, ठीक है। तो अब वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया, P1 का 0, P2 का 24 और P3 का 27, ठीक है, ये वेटिंग टाइम हो गया। अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो निकालना है। एवरेज वेटिंग टाइम हम किस तरह से निकालेंगे, वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1 का क्या था 0, P2 का क्या था 24 और P3 का क्या था 27, इन तीनों को हमने ऐड किया वेटिंग टाइम्स को और डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ प्रोसेसेस। नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्या थे, 3 हमारे पास, 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया। तो अब ये टोटल हमारे पास, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 17 आएगा, कि इसका 17 जो है वो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आ रहा है, ठीक है। वेटिंग टाइम हर एक प्रोसेस का सेपरेटली हमने निकाला और एवरेज वेटिंग टाइम जितने प्रोसेस थे उनके वेटिंग टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। यहीं तक रखते हैं।